तो आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन पोएम को पढ़ने वाले हैं, है ना। क्या नाम है पोएम का? हाउ टू केयर वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने का आज एक नया तरीका सीखने वाले हैं, है ना। तो पोएट जो है एक कह सकते हैं बहुत ही ह्यूमरस तरीका, ह्यूमरस को बहुत ही हास्य तरीके से बताया, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकता है बहुत ही खतरनाक तरीके से बताया, ठीक है। ह्यूमरस कह सकता है या खतरनाक, क्या तरीका है इसके बारे में हम लोग देखेंगे चैप्टर में। उसके बाद बताना कि ये खतरनाक तरीका था क्या, हाय से मजा किया वाला था, मजेदार था कि नहीं। ये पोएट कौन है इसका? कैरोलिन वेल्स, कैरोलिन वेल्स, ठीक है। पोएट का नाम याद रखना है और हम लोग सात जानवर के बारे में पहचानने के लिए कैसे पहचाना जाता है, और ये सारे जानवर कैसे हैं? वाइल्ड एनिमल, ठीक है। वाइल्ड एनिमल कैरोलिन, ठीक है, वेरी गुड। ध्यान देंगे पहला स्टेंजा, हर स्टेंजा में एक एनिमल्स के बारे में आपको पता चल रहा है, ठीक है। एक एक स्टेंजा हम लोग देखते जाएंगे। कहता है इफ यू एवर गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड यू टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट इफ ही रोज एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज द एशियन लायन। पहला जो जानवर है उसके बारे में कहता है कि अगर बाई मिस्टेक, है ना, कभी घूमते घूमते तुम किधर चले गए? हमारा भारत का जो हमारा ईस्ट है ना, पूर्वी इलाका से बंगाल की खाड़ी तरफ, है ना, बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा वाला सबसे बड़ा जो जंगल है ना, वहाँ पर अगर कभी घूमते फिरते जाना हो गया, है ना, वहाँ पर क्या है ना, अगर ऐसे बाई मिस्टेक चले जाते हो तो वहाँ पर तुम्हारा भेंट हो जाता है, मुलाकात हो जाता है किससे? कहता है कि एक बहुत ही बड़ा, है ना, और टाउनी बीस्ट, टाउनी बीस्ट मतलब कि जिसका भूरे कलर का रंग हो, है ना, ऐसा जानवर जो भूरे रंग का हो। बीस्ट एक्चुअली बोला जाता है खूंखार जानवर के लिए, ठीक है, जो जानलेवा होता है ना, जो हम जान पे हमला कर देता है इस पर, ठीक है, जान ले सकता है, ऐसे जानवर को बीस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो उसका बॉडी कैसा हो? भूरे रंग का हो, और कैसा हो? तब मस्कुलर हो, है ना, हट्टा कट्टा दिखा हो। इस तरह से अगर किसी जानवर से मुलाकात हो जाए, है ना, ईस्ट में पूर्वी क्षेत्र में अगर हम जाए तो, है ना, क्या समझ लेगा? और क्या कहता है? इफ ही रोज एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज एशियन लायन। और अगर वो मुलाकात होता है और वो तुम पे क्या कर रहा है, दहाड़ मार रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह से दहाड़ मार रहा है जैसे तुमको पता चल गया कि अब तुम मरने वाला है ना, इस तरह से दहाड़ मार रहा है, बुरा रहा है ना, तो क्या करेगा? समझ जाना चाहिए ये जो जानवर है वो कौन सा जानवर है? एशियन लायन है। समझ आना कि जानवर कौन सा है, एक जानवर की पहचान हो गई है। अब देखिए तो, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और कभी इस तरह से घूमते हुए भटकते, है ना, कभी क्या हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रेट्स यू, इस तरह से बहुत ही प्यारा सा एकदम जो है ना जंगली जानवर जो है वो मिल जाते हैं, है ना, तुम्हारा स्वागत करे, ग्रीट करे, है ना, तो क्या होता है? कहता है विथ ब्लैक स्क्रैच और येलो ब्राउन, कहता है उसका जो बॉडी है ना कैसा रहेगा, येलो, है ना, और उसका जो और क्या रहेगा, ब्लैक स्ट्राइप रहेगा, बॉडी जो है वो येलो कलर का रहेगा और उसमें जो धारियां बनी रहेगी ब्लैक कलर की, ठीक है, ब्लैक धारियां। येलो ग्राउंड है, उसका बॉडी हो येलो है और ब्लैक धारियां बनी हुई है। ऐसा जानवर से अगर मुलाकात हो जाए और तुम्हारा स्वागत के लिए बुलाए, है ना, तो क्या कहेंगे? जब तुमको पता चल जाए कि ये जो जानवर है हमको स्वागत कर रहा है इसलिए अपना शिकार के लिए, है ना, अब तुमको पता चले कि हम जो है उसका शिकार हो गए, है ना, वो हमको जस्ट खाने ही वाला है, ऐसा जब पता चले उसका बॉडी येलो बॉडी है ना, उसमें धारियां ब्लैक कलर, ऐसा जानवर जब पता चले तो ये सिंपल सा रूल याद रखना, है ना, क्या याद रखना कि ये जो जानवर है उस जानवर का नाम है बंगाल टाइगर। क्या नाम है? बंगाल टाइगर, ठीक है। एशियन लायन का क्या था, उसका बॉडी कैसे था,
टाउन में कलर का हट्टा हट्टा कलर था और हाँ ब्राउन बॉडी था ठीक है। और टाइगर में क्या था बंगाल टाइगर में बॉडी तो एकदम पूरा एकदम बढ़िया है और ऐसा लग रहा है जैसे वेलकम कर रहा है, ज्यादा गुस्सा भी नहीं दिख रहा है लेकिन उसमें भारियाँ वगैरह बनी हुई है बॉडी में और येलो बैकग्राउंड है। ऐसे जब उनको लगे कि अब हमको खाने ही वाला है समझ जाना बंगाल टाइगर है ना, बहुत ही खतरनाक जानवर है क्योंकि जस्ट खाने ही वाला है ना, उसमें निवाला बनने ही वाला है समझ जाना ये चीज़ है समझ में। कैसे पसंद से लायन और टाइगर के बीच में क्या अंतर है ठीक है ना। थर्ड स्टेंजा देखें कहता है इफ अ स्ट्रॉलिंग फोर्स अ बीस्ट यू बीम हुज हाइट विद द फोर्स इज कैपेबल। अब कहता है ऐसे घूमते फिरते आवारा गिरी जैसे करते हैं ना ऐसे, मतलब नॉर्मली कहीं घूमते घूमते भटकते भटकते कभी मुलाकात हो जाए किससे, एक और बीस्ट से मुलाकात हो जाए है ना, भूखा जानवर से मुलाकात हो जाए। इसका क्या कहता है, कहता है कि जिसका बॉडी जो है वो क्या है टेपर्ड विद ब्लैक स्पॉट्स है ना, काले काले धब्बे जैसे कम का बना हुआ है, काला काला डॉटेड बॉडी क्या है धब्बा जैसे कम काला काला डॉटेड ठीक है। तो हाँ कहता As he left on you, you will know it is the leopard. अब कहता है जैसे वो तुमको झपट्टा मारेगा, लेफ्ट में तो झपट्टा मारना है ना, जैसे वो तुमको देखेगा झपट्टा मारेगा समझ जाना ये जानवर कौन सा था, ये लायन नहीं था टाइगर नहीं था, ये झपट्टा मारा कौन जानवर था लेपर्ड। It will do not good to roar with pain. He will only laugh and laugh. कहता कि दहाड़ेगा नहीं ज्यादा, तुमको ज्यादा एकदम परेशानी में नहीं डालेगा, वो क्या करेगा बस झपट्टा मारते रहेगा जब तक कि तुम पूरी तरह से शांत नहीं हो जाते ठीक है। ज्यादा तुमको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, दहाड़ नहीं मारेगा, दहल्ला नहीं करेगा, तुम बहुत तकलीफ आ रहा है बस झपट्टा मारते रहेगा जब तक शांत नहीं हो जाते समझ आना। ये जो जानवर की बात है ये जानवर कौन से जानवर है लेपर्ड, लेपर्ड के बारे में बात किया ठीक। आगे बढ़ो नेक्स्ट, अब एक और मजेदार है ना, ये ऐसे लोग ऐसे हमारे जब देखते हैं कि हमारे जो आंगन है आंगन घर का जो आंगन होता है आस पास देख सकते हैं अगल बगल वहाँ पर कभी आंगन में घूमते हुए कभी ऐसे क्रिएचर से मुलाकात हो जाए, ऐसे जीव से मुलाकात हो जाए जो क्या करेगा हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट इज अ बियर। ऐसे जानवर से मुलाकात हो जाए तुमको क्या करे गले लगे है ना समझ जाना, गले लग रहा मतलब कि वेरी वेरी हार्ड मतलब कि जोर से गले लग रहा है, गले तो लग रहा लेकिन बहुत टाइटली है ना, तो समझ जाना कि वो जानवर जो है वो बियर है ना, बहुत ही टाइट जो है वो गले लगता है ना। अगर फिर भी डाउट हो तुमको गले मिल रहा है इससे तो हम लोग दोस्ती वाले लोग करते हैं प्यार करते हैं ना, अगर तुमको ऐसा डाउट हो तो क्या होगा इफ यू हैव वेरी डाउट आई गेस ही विल गिव यू वन मोर केयरेस। अगर तुमको लगेगा तुम ज्यादा ताकतवर है ना दबा रहा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा वो बढ़िया से एक और दबाएगा है ना, जबकि तुम्हारे प्राण ना निकलेंगे है ना, मेरी हड्डी टूट ना जाए है ना, इस तरह से दबाएगा है ना, गले मिलकर ही अपना प्यार से मामला को संभाल लेगा। इस तरह की जो जानवर होगा कौन सा जानवर होगा डाउट डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉट नोटिस। कहता है कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको जो है ना जो जिनके बारे में लोगों को पता नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा कि जानवर आखिर है क्या है ना, कंफ्यूज हो जाता है क्या कि कौन सा जानवर है ना, तो उसके बारे में हम बताते हैं कुछ लोगों को ना जो समझ में ही नहीं आता, उनके बारे में कुछ समझ में आया कि इसका बॉडी वगैरह किस तरह से रवैया समझ में आ रहा है, कोई दहाड़ मारेगा कोई लपट्टे मारेगा कोई कुछ करेगा अरे इसके बारे में समझ में आ रहा है, कुछ जानवर होता है इसके बारे में कुछ समझ में ही नहीं आता है ना, नौसिखिया टाइप में लगेगा अरे लगेगा कि अभी भी शायद हमला करना सीख रहा है इस तरह से लगेगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं कहता है क्रोकोडाइल द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मेंटेन फ्रॉम द हाइना। कहता है कि क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में कैसे हम लोग अंतर करेंगे, क्रोकोडाइल और हाइना है ना दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसको ना हाइना कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ देयर दे बी देयर क्रोकोडाइल। कहता है कि अगर हाइना तुमको दिख जाए है ना वो जो है तुम मुस्कुराएगा हंसेगा आवाज जो है वो हंसने वाली आवाज आएगा, हाइना अगर रहेगा
लेकिन अगर क्रोकोडाइल रहा तो क्या होगा, वो उसके आंसू निकल रहे हो, रो रहा होगा, ऐसा लगेगा एकदम एकदम मैं उन सीखिया एकदम है कि नहीं, और जैसे जाएगा वो अपना शिकार बना जाएगा। इस तरह से जो है हाइना को और क्रोकोडाइल को हम लोग अंतर कर सकते। जो कैमलियन होता है वो एक छोटा सा होता है, छोटा सा प्राणी होता है गिरगिट, है ना, लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। किस तरह से रहेगा, जैसे घरों में जो छिपकलियां होती है उसी की तरह जैसे रहेगा, है ना, हल्का फुल्का साइज में अंतर हो सकता है, बट उसी के साइज के हिसाब से उतना ही छोटा रहेगा। ही हैजंट ईयर्स एट ऑल, उसके तो कान ही नहीं होते, इसके कैमलियन कान ही नहीं होते, एंड नॉट अ विंग, अ सिंगल विंग, और ना ही पंख होता है, ना ही कान होता है, ना ही पंख होता है, एक भी पंख नहीं होता, नथिंग ऑन द ट्री। लेकिन कभी घर आते हो जाते हो पेड़ वगैरह से गुजरते हैं, जब दिखे कि पेड़ में कुछ नहीं है, क्या समझना, इट इज द कैमलियन यू सी, कुछ नहीं नजर आ रहा मतलब वहां पर कैमलियन, कुछ नहीं आ रहा मतलब कैमलियन। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि कैमलियन के पास एक एबिलिटी होता है, पर इसको हम लोग कहते हैं कैमोफ्लेज, 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 ठीक है। ये एबिलिटी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर, बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के हिसाब से अपना बॉडी का कलर जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है, अपना बॉडी का कलर चेंज कर लेगा। जैसे कि आप ये वाइट है, अपना बॉडी को क्या कर लेगा, वाइट कर लेगा, अब जो जैसा बैकग्राउंड रहेगा वैसे वो भी अपना कलर चेंज कर लेता, पता चल पाएगा क्या, दिखेगा क्या, आसानी से नहीं दिखता। इसी तरह कह रहा है कि पेड़ क्या कर रहा है ना, कुछ नहीं दिखे, कुछ आप समझना वहाँ पे क्या जो है चेंज कर सकता है, इसलिए जो हमको जल्दी से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं क्या मिले कुछ नहीं दिखता, मतलब कि अपना कलर जो है वो बैकग्राउंड में छिपा के रखा, क्यों करता है ऐसा, खुद बचने के लिए, है ना, ताकि दूसरे को शिकार ना करे, दिखेगा दिखेगा नहीं, शिकार कौन करेगा, हमारे है, इसलिए ऐसा करते हैं एबिलिटी, ठीक है। ये तो तुम्हारी इसके द्वारा कैरोलिन समझ में आया, कैसे आइडेंटिफाई करना हर जानवर को, आगे देखिए क्वेश्चन आंसर।